अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे धर वाली, जय दुर्गे धर वाली तेरी आए। Thank you.
कपाल कंक तारिणी खड़ग खंड धारिणी महाकाली काली के Thank you.
मंगलमय भय मोचनी दुर्गा सुख की भाई जिसके चरणों की सुभा Yeah.
जगदम्बा घर में दियना बाल ऐनी हो जगदम्बा घर में दियना हो जय
मिया की जय। वेद माता गायत्री की जाप करती है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्भवेयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भक्ति का मार्ग जो है वो सीढ़ी को चढ़ा कर रहो।
पॉजिटिव वाइब्स मिलना बहुत जरूरी है। माता का शक्ति अन्न में आना बहुत जरूरी है। कुमार अन्न पढ़ करने लगे और नाचने को दिल करे, नाचो, कोई नहीं रोका है, नाचो, दिल खोल के नाचो। ये मंदिर है, माँ के दरबार सच्चा दरबार है, इसमें नहीं नाचोगे तो कहाँ नाचोगे, कहाँ नृत्य करोगे है? तो अगर किसी के मन चटक जाए ना, कल लोग का एक गरबा नहीं हुआ, आप लोग तो ऊपर कौन रोके गरबा नहीं करो तो जैसे पाओ वैसे करो गरबा। झूमत आवे वो नाचते आवे, मोरी अम्बे मैया जगे दम्बे मैया, आपके कुल में जैसा भी चला आया है, जैसा भी चला आया है, उसका आप माटी पूजन कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप सोचना अच्छी तरह से चाहिए, हम किसकी पूजन कर रहे हैं? हम पूजन कर रहे हैं तो किसकी पूजन कर रहे हैं? क्या हमारे घर में जो दुर्गा मैया है और तुम्हारे घर में जो दुर्गा मैया, वो अलग है? हमारे घर में जो काली मैया है, तुम्हारे मंदिर में जो काली मैया, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है? हमारी वाली ये मांगती है कि तुम जयफल चढ़ा दो, तुम्हारी वाली बल मांगती है। इसको अच्छा से सोचना। देखो, जो चला आया है उसका मतलब नहीं कि हम वही अंधकार में रहकर चलते रहेंगे। मैंने बहुत बार कहा कि जब सीता मैया को राम ने अग्नि में सौंपा तो सीता तीन रूप धारण किया। जब लग करूं मैं निशाचर नासा, धारण किया तीन रूप। देखो कौन है? पहला सद्गुण, सद्गुरु रूप धार के भगवान राम के अंग में समा गई, शक्ति बन गई। क्योंकि अगर सीता राम के साथ ना हो तो राम कभी नहीं रावण को मार सकता।
अब कैसे मारे ना तमोगुणी रूप ना रजोगुणी रूप, माँ सीता का सद्गुण रूप लेकर राम ने जाकर लंका में चढ़ाई करके और निशाचर रावण को मारा। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि तमोगुणी रूप सीता का, सीता तो आदिशक्ति है, भद्रकाली है सीता, महामाया महादेवी है, तमोगुणी रूप जो महाशक्ति को रावण पूछ के रखा है, रावण ने अपना 10 मस्तक काट कर गिराया, वो क्या है? वो बल दिया, किसको दिया? तमोगुणी रूप का, तमो समझो इसको, तमोगुणी रूप। तो सदगुण रूप में राम के हृदय में गई सीता, रजगुण रूप अरिण में गई सीता, अग्नि में गई सीता, और तमोगुणी माया का रूप सीता पंचवटी में चली गई, जिसको रावण हर निकल के लंका ले गया। करवट प्रार्थना है, अच्छा पंडित खोजो, कोई अच्छा ना पंडित से आप इसका निर्णय निकालो और उसको सही मार्ग केंद्र करो। प्रिय वत्सजन, देखो नहीं आपका सब, फिर आप नहीं कहोगे ज्ञान की प्रगढ़ मंडली में जब तक हमारे घर में पूजा नहीं हुई, हमने प्रसाद नहीं खाया। अरे माता, एक बात मैं आपको बता दूं, उस दिन मानव भोजन का आहार करते हम मुख से खाते हैं, देवतागण सूंघते हैं, जो हम हवन कार्य करते हैं देवतागण सूंघते हैं, और भगवान को जो हम अर्पण करते हैं वो भगवान उसका आहार नहीं करते हैं, भगवान उसको सूंघते नहीं है, भगवान केवल उसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, देखकर स्वीकार करते हैं। निषाद राज के आश्रम में जब भगवान श्री राम के, तो निषाद राज ने क्या दिया? जो उनके कमाई में था वही तो दिया है ना। निषाद राज तो एक मछुआ था जात का, और लाकर राम के चरण में जो कुछ था वही धर दिया, राम ने उसको खाया नहीं, लेकिन राम ने केवल देखा। इसका अर्थ ये है कि भगवान देखते हैं और देखना ही उसका आहार है। God doesn't need to eat, उसको खाने को नहीं है, वो नहीं खाता है, वो तो अजर अमर है, परमात्मा चेतन ब्रह्म है वो, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर विधि कर्म करे विधि नाना। ऐसी हमारी जगन्ना मैया देवन सृजन, कब हम इससे बाहर निकलेंगे? मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इसका कोशिश करें। हम तो कर रहे हैं, हमने बोला कि हम, हमारा भी है, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक करें, सही मार्ग पर रहे, केंद्र करो। और है उपाय है, हमारे ग्रंथों ने बताया है, हमारे ब्राह्मणों ने बताया है, हमारे संतों का वाणी है। राम लक्ष्मण को अहिरावण हर के ले गया तो क्या किया? देवी को बल देना था। अब अहिरावण कौन था? अहिरावण असुर था। हम असुर का थोड़ो है, हम वैष्णव है, हम नहीं असुर है, हम वैष्णव है। प्रिय वत्सजन, इस प्रकार से है गृहोद्धार पर। माँ जगदम्बिका कहती है, और क्या कहती है कि जिस समय सूत जी वर्णन करते हैं कि हे देवताओं, महाभयंकर युद्ध करके भगवान विष्णु जी अपने धनुष पर अपना मस्तक टेक कर घोर निंद्रा में थे, उधर हयग्रीव के त्रासिस से देवतागण भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं, और मस्तक से धनुष पर रखने से जो धनुष का डोरी था वो चढ़ी हुई थी, जगाने पर जब नहीं जगा तो क्या होता है? ब्रह्मा ने उपाय किया, ब्रह्मा ने बर्मी नाम का एक कीड़ा को उत्पन्न किया और कीड़ा को आदेश दिया कि जाओ जो धनुष का जो डोरी है उसे काट दो, अगर वो कटेगा तो धनुष ऊपर उठेगा और भगवान विष्णु जल जाएंगे। इस प्रकार से ऐसा ही वो कीड़ा रेंगते 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 जाता है और जो धनुष का डोर है उसको काटा। जैसे काटा प्रिय बंधुजन, धनुष ऊपर को उठा और उसमें अंधकार हो गया, अंधकार बड़ा घमासान शोर हुआ, जैसे जनकपुरी में धनुष का था वैसा ही शोर उससे पहले आ गया हुआ। और तब जब अंधकार दूर होता है, चमक बिजली के समान प्रिय बंधुजन, और तब देखते क्या, भगवान विष्णु का सिर ही नहीं है, भगवान विष्णु का केवल धड़ ही बचा है। सकल लोक में त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा?
भगवान विष्णु का धड़ कहां सिर चला गया उसका, सब देवता त्रासित हो गए, दुखित में हो गए। अब तो सहारा जब कोई नहीं है, बोले कहते हैं जब कोई ये सहारा है तो किसको याद करो, भगवती मैया को याद करो, कोई जब सहारा नहीं। नमस्कार देवी जयंती महारानी श्री मंगलाकारी दुर्गा भवानी कपालिनी और भद्रकाली क्षमामा शिवाधात्री श्री स्वाहा रमामा। नमस्कार चामुंडे जगतारिणी तो नमस्कार मधुकैटभ संहारिणी नमस्कार ब्रह्मा को वर देने वाली वो भक्तों के संकट को हर लेने वाली। नमस्कार देवी जयंती महारानी श्री मंगला काली दुर्गा भवानी। इस प्रकार से मां प्रकट होती है समक्ष देवताओं के समक्ष। जब देवी मैया प्रकट हो जाती है, भगवती माता जब प्रकट हो जाती है, प्रिय बंधु जन देवतागण मां का स्तुति स्मरण करते हैं इस प्रकार से। और तब माता कहती कि हे ब्रह्मा हे सकल देवता मेरी बात को अच्छी तरह से आप श्रवण करो। ये भगवान विष्णु का जो सिर इस समय उड़ा है इसका मुख्य कारण ही है, एक तो लक्ष्मी मां का श्राप था और दूसरा सुनो है गुरु नाम का एक असुर इस समय बहुत त्रासित कर रहा है। हयग्रीव ने मेरी तपस्या करके अखंड व्रत वर को प्राप्त कर लिया। जिस समय हयग्रीव ने तपस्या धारण किया वो मेरे पास वर मांगने को जब उदित हुए मैं दर्शन दिया और मैंने कहा कि हे ग्रीव मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते। हयग्रीव ने मुझसे अमर तत्व का वरदान मांगा और तब मैंने हयग्रीव से कहा कि हे ग्रीव ये संसार मेरा बनाया हुआ है, ये संसार मेरा बनाया हुआ है और संसार का कुछ नियम है और नियम इसमें एक है कि इसमें अमर केवल एक है वो ब्रह्म मैं हूं, मैं ही अमर हूं। मेरे ही इच्छा से विश्व का उत्पन्न होता है, मेरी इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र सतर देवी देवता मेरी इच्छा से उत्पन्न होते हैं और मेरे इच्छा से ही संसार में पालन होता है और फिर मेरे ही इच्छा से प्रलय महाविनाश हो जाता है। जो जन्मा संसार में जिनका जन्म हुआ है कोई अमर नहीं होता है, मरना तो उसके लिए दिन है। ये बात हम कब समझे। डायमंड कब समझोगे बात को। मरगी में हम जब जाते जितना देर ईश्वर रखा हुआ वहां प्रवचन प्रवक्ता बताते सबका एक दिन यही गति होगा। शमशान घाट जाते हैं और उतने ही सबको मिलेगा जितने सबके भाग में लिखा है। हा? कितना लकड़ी कितना उचिता में उतने ही भाग में है सबको बराबर मिलेगा। फिर भी हम जैसे वहां से घूम के निकलते फिर सुन अरे मन ये धोनी का मेला रहेगा काया में जगेगा Thank you.
हमारा लक्ष्मी
राम वाला चढ़ाओ बड़े धनतेरस की छठ पूजा करो लक्ष्मी माँ घर की। चलो जेक्स में से हम मिलाएंगे बड़ा अच्छा सुंदर रहा। जब बोली जाएगा घर पे रखेगा ना और जैसे उठेगी बस वही समय आंसू गिरते रहेगा गिरते रहेगा लेकिन मकान तक जाएगी वहां से आगे बाय बाय सी यू मीट यू इन क्लाउड समडे ऐसा ही कमेंट आता है ना फेसबुक पे मीट यू समडे इन क्लाउड। परिवार के लोग खाएंगे लेकर जाएंगे शमशान घाट तक जिता पे रखेंगे बहुत अच्छा से वे अरे जो तुम्हें जीते जी शायद तुम्हारे खुरुच में कभी एक प्लास्टर नहीं लगाया होगा उस समय नहाने के लिए तैयार हो जाएंगे और अच्छा से सब करके तुमको सजा देंगे। इससे कभी एक पाउडर तक नहीं लाकर दिया जो जीते जी माई बाप को और मरने पे जाकर दे पेसू स्प्रे और दे पाउडर लगे कौन फायदा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे करने लगेगा आंखें से कम दिखाने लगेगा
कान से कम सुनाने लगेगा। काहे 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 कम सुना है कान से बुढ़ापा में, काहे की अगर पथो गाली थे तो सुनाई। विचार बार अगर पथो बोल तो सुनाई नहीं सास के, तो मैं भगवान तम की गलती नहीं सुनो है ना। कमर दुखने लगता है बुढ़ापे में, कमर बोले कमर दुखने लगा, बोले बहुत वजन नहीं तो हल्लुक साड़ी पहनो, तब वो घरू साड़ी नहीं पहनो, घरू साड़ी जवान पर तो पहनी तुम हल्लुक वाला। इट्स ऑल इन ह्यूमन बॉडी। धोती पहनने का समय आ गया, धोती पहनो, पजामा भूखे नहीं तो धोती पहनो। लेकिन सब सरेंडर होगा टाइम से, और फिर क्या होगा प्रिय बंधुजन कि शमशान लेकर जाकर वहां परिवार वहां पे अच्छा से कूदेगा, पुत्र तुम्हारा वही काम करेगा, लेकिन पुत्र भी जब चिता में आग देगा ना तुरंत पंडित जाएगा, चलो घरे पानी देना है, ले जाओ लड़का खाली से जो गिरिया को जान पानी देना, वो भी वहां से घूमेगा और चल देगा साथ, कोई ले जाने वाला। मुट्ठी बांध के आए हो हाथ पसारे जाओगे, मुट्ठी बांध कर आए हो लेकिन जाओगे तो हाथ पसारे कोई ना बैलेंस मारा जाएगा ना बोले धन जागीर संपत्ति सब यही के यही, अगर गया तो तुम्हारे साथ क्या गया, माँ जगदम्बिका माँ जाती है जिसका तुमने नवरात्रि में बैठकर निष्काम भाव से भक्ति किया, निष्काम भाव से माँ का जागरण किया, निष्काम भाव से माँ की नाम का स्मरण किया, निष्काम भाव से वो करे बोले भैया हम ना जानी आली काली ना जानी तुझ देवा, मैं तेरा पूजन नहीं जानती माँ माता, मैं तेरा मंत्र नहीं जानती हूँ। हमारे ये पंडित जी हमसे बताया कहा भाई जाओ अपन मैया से ऊपर वीर तुम बात करो, यू गो एंड टॉक टू योर मदर इन ए सिंपल लैंग्वेज, मैया से बोलो मैया हमने जब तक भक्ति हम सुना बड़े बड़े ऐसे इतने मंत्र ह्रीम क्रीम चामुंडा विचे नमा ओम ह्रीम ओम क्रीम कालिका नमा, नहीं जानता मंत्र हमसे नहीं होता मैया, बस तुम भाव से अगर अपना सब कुछ माँ को चरण में धर दो, देखो नहीं माँ बगल वाली सरस्वती माता को प्रेरणा दे दे, सरस्वती मैया को बगल में बैठी है प्रेरणा दे, जाओ उसको उसके बुद्धि में बैठो और उसके मंत्र बुद्धि को जागृत करो। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, कांधे पर धर ले जाएंगे परिवार वाले तेरा, यमदूत ले पकड़ के पीतेगा छाती अपनी उन्वाह उदास होगा, दो गज का फंदा टुकड़ा तेरा निवास होगा, चुन चुन के लकड़ियों में धर देंगे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में धर देंगे तेरे बदन को, बदन के सवार कितना रखा है ना आकर काम करा भाले, आज कौन जी लकड़ी में लकड़ी तेरे कफन को आकर छठ उठाएंगे, नहीं कर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में बचा जो खाके होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा,
दो ब्रज का फल का टुकड़ा तेरा निवास होगा, दो ब्रज का फल का टुकड़ा तेरा निवास होगा। इसलिए भैया जीवन में कुछ करना है तो अच्छा कर्म करो, दया रखो, दिल में दया रखो और भक्ति कथा सुनो, भक्ति करो, वही नेकी और बदी तुम्हारे साथ जाने वाला है। नेकी और बदी तुम्हारा साथ जाएगा। कवि ने लिखा है ना कबीरा, जब पैदा हुए जग हंसे हम रो, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रो, ऐसी कहनी कर चलो जग हंसे हम रो। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। जब हम आते हैं हम बहुत जोर से रोते हैं, काहे काहे रोते हैं हम जब पैदा होते हैं कि हे परमात्मा कहां हमें मृत्यु लोक में लिखा गया, ऐसा दुखदायी मृत्यु लोक में लिखा गया, इसीलिए हम रोते हैं। उस समय गर्भ में मां कहते बहुत सुखता हमारा तुम्हारा बातचीत रोज होता, आज तो भयंकर भयंकर हमें आ गए मरण दिखा रहे, कहां हम आ गया। और परिवार बहुत खुशी मना रहे, लड़का उसका लक्ष्मी आई है करके चलो खुशी मनाओ, लंका भी तो छठी इत्यादि सब जितना कर संस्कार करो बहुत खुशी में हो जाए, माई बाप के तो आजा आजी के नाना नहीं तो घोड़े नहीं छुआ है, जब बड़ा हुए वही नाती वही पोता वही लड़का लड़की जब बड़ा होते तब देखो। तो किसी ने कहा ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो, तुम्हारा चिता हंस रहा है लेकिन तुमको देखकर जो तुम्हारा स्वभाव को देखकर लोग तुम्हारे कर्म को याद करके उनके झूठ के रोए नहीं उनके अपने आप आंसू निकलेगा, वो तुम्हारा कर्म करके लोग मरने में रोते हैं और फाड़ निकला रोते हैं अपने मंजिल दिखाई के लिए रो रहे, किसके दिखाई के लिए रो रहे हो, समाज को ये बतला कि हमें इतना प्रेम से इनके साथ रहते जीते जिए ना पानी पूछा नहीं। इसलिए यहाँ पर भगवती माता कहती कि हे देवताओं तुम तो घबराओ मत, ये भगवान विष्णु का जो शरीर अलग हुआ है ब्रह्मा को तुरंत कहा गया जा, ब्रह्मा तुम्हारे बगल में जो अश्व है जो घोड़ा है उसका सिर काटो और विष्णु भगवान के घर पर धरो तुरंत, क्योंकि हयग्रीव ने हमसे वरदान मांगा था कि मृत्यु हमको अमर कर दो, तो मैंने उसे कहा कोई अमर नहीं है संसार में, जो जन्मा तो मरेगा। तब हयग्रीव ने मुझसे वरदान मांगा अगर मुझे कोई मारे तो मुझे मेरे जैसा कोई मारे, वहीं से चला है जो ये डुप्लीकेट डुप्लीकेशन वही चला है ट्विंस वही चला है डुप्लीकेशन, कि अगर हयग्रीव को मारेगा तो हयग्रीव ही मारे। देवी ने कह दिया मस्त जाओ हयग्रीव को मारेगा तो हयग्रीव जाकर मारेगा। हयग्रीव का मतलब है जिसके सिर घोड़े के समान और नीचे शरीर मनुष्य के समान, उसको हयग्रीव कहते हैं, सिर घोड़े के समान और नीचे शरीर मनुष्य का। तो भगवान विष्णु का सिर अलग हुआ और तब बगल में ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा ने अपना खड़ग उठाया और तुरंत ही घोड़े का अश्व का सिर काटा और भगवान विष्णु का जैसे ही घर पे रखा भगवान विष्णु स्वयं खड़े हो जाते, बड़ो हयग्रीव भगवान की जय। इस प्रकार से हयग्रीव भगवान और तब चलते हैं हयग्रीव को मारने के लिए माँ जगदम्बिका की कृपा से, और तब हयग्रीव ने जाकर हयग्रीव को मारा और देवताओं को किया प्रिय हो गया।
आगे सुत जी वर्णन करते हैं। मधु केटक की कथा तो आप सुने होंगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु शिव सिंह में स्नान कर रहे थे, उनके कान के मैल से मैल निकला और मैल द्वारा दो वीर असुर प्रकट होते हैं, जिनका नाम एक का नाम बड़ा मधु, दूसरा का नाम केटक। मधु और केटक, मधु केटक भगवान विष्णु के मैल से मायावी थे और थोड़े ही दिन में इसे बड़े होते चले गए। चारों ओर जल ही जल दिखाई दिया उनको, तो वो सोचने लगे ये जल है तो जल टिका किस पे है, वो जल कहाँ पे टिका है, उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं मधु केटक। और ढूंढते 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 बहुत दूर जब निकला तो देखा कि एक बुढ़ा बैठा हुआ है कमल के पत्ता पर, उनके निकट पहुंच गए मधु केटक। बुढ़ा को देखा ये चार मुख वाला बुढ़ा बैठा है कमल के पात पर, और मधु केटक जाते तो क्या हुआ, उनको बड़ा जोर से भूख लगा, खाने को कुछ था नहीं उस जल में, अभी जल में खाने को बहुत कुछ है, उस समय जल में खाने को बहुत नहीं था। और क्या क्या जल में खाने को है, ये नीचे जाओ है तो सुबह तो आपको पता रहेगा। इसका प्रचार तुला है, बहुत अच्छा से सुबह हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो उधर मधु केटक को भूख लगता है, प्रियवन विजय ये कथा काल लेकर चलेंगे, समय हो गया। ठीक है, तो मधु केटक को भूख लगा और ब्रह्मा जी से क्या वार्तालाप होता है और फिर इसमें भगवती की क्या प्रेरणा है, माँ भगवती कैसे मधु केटक का संहार करती है इत्यादि इत्यादि, ये कल की कथा में हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। चले कीर्तन करते हैं और फिर निशान कैसे चुका कैसे चुकाओ इन सांसों का मोल, जन्म देने वाले इतना I'm gonna be your savior।
Thank you.
सो माँ भगवती हमको क्षमा करें, हम जगत में आप पूर्ण हैं,
पूर्ण प्रेम आपके मां स्वयसी ने मां तेरा तुझको अर्पण ओम नमः शिव मंत्रियम व्याहियम भक्तिरम जनार्दन यत्पूजितं परिपूर्ण तदस्तु ऐसी प्रार्थना करें कि हे माँ अंत समय जब आएगी सासों में तेरा नाम छवि हो आंखों में तेरी मन तेरे चरणों के पास हो जीवन भर को निभाया है माँ बस इतना और निभा देना क्षमा कर सब पाप में माँ तू अपने धाम को ओ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति एव शांति सामा शांति We'll be right back.
Krishna, 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 Krishna.